किशोरी से रेप के बाद पेट्रोल डालकर लगाई आग। 15 वर्षीय किशोरी के साथ 3 माह पहले किया गया था रेप। गर्भवती होने के बाद आरोपी पक्ष ने पेट्रोल डालकर किशोरी को लगाई आग। आरोपी तेरे भाई ने दिया घटना को अंजाम। किशोरी गंभीर हालत में सैफई पीजीआई में भर्ती। पुलिस ने आरोपी भाई सहित 3 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। नामजद आरोपी की मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना कुरावली क्षेत्र का मामला। के साथ क्या घटना घटी थी यहाँ जिस सैफई अस्पताल में आए हो? अच्छा, कौन था जिसने घटना को अंजाम दिया था? क्या नाम? हमारे पिताजी का नाम क्या था? क्या घटना की थी? इतने से बच्चे थे तो हमने जो है लगता कर दिया था। देखा था तो उस लड़की को पूछा था, उसने अक्षय का नाम रखा। तो हमने अक्षय की मम्मी को बुलाया कि देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया है, बताओ क्या करें। तो वो बोली जो गलती हो तुमने मंजूर है, उसकी शादी भी हम करेंगे, खर्चा जो होगा तुम्हें उठाएंगे, किसी लड़के के साथ कर देंगे। हमने भी आपका आपका महिला घर घर का समझौता भी कर लिया हमने। ठीक है, लड़की तुम्हारे सुगंध कर दी, अपनी शादी करो, आप जानो मेरा कोई जिम्मेदार नहीं है इसमें। तुम्हें अपने घर ले जाए, हमने अपने घर ले जाओ, इसको सफाई भी करा दो, शादी करो। मेरी से संपर्क नहीं है, ना मेरी लड़की से संपर्क रहा है, ना लड़की को मेरे से संपर्क रहा है। अब क्या स्थिति है लड़की, क्या हालत है? वो अपने घर पर बुला लेंगे। उसे 3 बजे उसने पेट्रोल डाल कर आग लगा दी। पेट्रोल डाल कर आग लगा दी, अपने घर बुला के ले गई अपने घर। बच्ची कहाँ भर्ती है? सैफई अस्पताल में भर्ती है। तो अब क्या हालत है बच्ची? तो गंभीर है, हालत गंभीर है। कितने क्लास में पढ़ती थी? 11वीं की परीक्षा नहीं थी। 11वीं की परीक्षा क्या घटना घटी थी आपके साथ जो यहाँ आई हो अस्पताल में? वो हाथ लगा दी पेट्रोल डाल के, तो इसलिए जो लड़की को ये अस्पताल ले गई थी, तो किसी ने फोन कर दिया, 200 नंबर की गाड़ी पहुंच गई, तो वो कुराली थाने में ले गई। वहाँ से मैनपुरी के लिए रेफर कर दिया, वहाँ से सैफई के लिए कर दिया। सैफई भर्ती है? हाँ, सैफई में भर्ती। क्यों आग लगाई थी? उसके उसके पेट में बच्चा था। ये कौन था, किस किसका बच्चा था? अभिषेक का। पिताजी का नाम? साहिब सिंह। साहिब सिंह कुराली क्षेत्र के हैं? कुराली क्षेत्र से। बच्चा पेट था। फिर कल क्या हुआ था? कल अपने घर ले जाकर उसने पेट्रोल भी डाल के आँच भी लगा दी। हाँ, अब कैसी हालत है बच्चे बच्ची की? गंभीर गंभीर हालत है। यहाँ उपचार चल रहा है? सैफई उपचार चल रहा है। क्या चाहती हैं आप? न्याय मिले। कुरावली थाना अंतर्गत एक महिला द्वारा आज थाने पर तहरीर दिया गया कि उसके जेठानी के लड़के द्वारा उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया गया और उसके पश्चात उसको जलाने की कोशिश की गई। उनके द्वारा 6 तारीख को घटित इस घटना की सूचना आज थाने पर दिया गया। पहले उसका इलाज जिला अस्पताल में हुआ और वहां से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसकी उसके ताऊ के लड़के, उसकी बहन और उसकी ताई द्वारा मिल करके उसको जलाने की कोशिश की गई और साथ ही उसे जबरदस्ती संबंध बनाए में आए गए। इस संबंध में पीड़िता के मां की तहरीर के आधार पे 307, 376 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही आरोपी ने उसकी ताई को हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। शेष 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।